हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैन फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो? तो चलिए अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो और मैं अभी रेडी हो गई हूँ। तो अभी मुझे कुछ काम, मेरा वैसे मेरा ज़्यादातर काम ख़त्म हो चुका है। जो अपना डेली का रूटीन होता है वो ख़त्म हो चुका है मेरा मॉर्निंग का सारा। तो खाने के लिए तो फिलहाल कोई है नहीं, खाना तो बना नहीं है क्योंकि पापा भी बाहर गए हुए हैं, भाई साहब ड्यूटी चले गए हैं, मम्मी का फास्ट है। और रही मैं, तो मैंने अभी नहीं खाया है, मैं अभी नहीं खा रही हूँ खाना। तो बस चलिए अभी जो बाकी के काम बचे हैं उनको ख़त्म करते हैं। तो बस अभी मैं कुछ कपड़े पड़े हैं तय लगाने के लिए, जिनको कल वॉश किया था, बस इनकी तय लगानी है। तो मैं इनकी तय लगाती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर लग गए थे तय लगाने के लिए, फिर मम्मी भी आ गई थी। तो मम्मी बोली ला मैं भी लगवा देती हूँ। तो यहाँ पर मैं मम्मी को दिखा रही हूँ जो मेरी येलो वाली साड़ी है। तो इसकी लेंथ काफ़ी है और इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये थोड़ा ऐसे ऐसे लगा हो, थोड़ा हटकर लगा हुआ है। तो मुझे ये बॉर्डर जैसे प्लेट बनाती हूँ तो प्लेटों में आ जाता है, मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि इससे अच्छा तो मैं इसको थोड़ी कटा लेती हूँ तो कम से कम बॉर्डर ठीक बैठ जाएगा। क्योंकि जब प्लेट बनाते हैं और उसको अंदर टक करते हैं हम, तो वहाँ पर बॉर्डर आ जाता है तो काफ़ी मोटा मोटा सा लगने लगता है। तो इसीलिए अब मैं इसका यही इलाज है इसका, मैं यही सोच रही हूँ। क्योंकि साड़ी मुझे बहुत प्यारी लगती है और सिंपल सोवर है बिल्कुल, पर पार्टी वियर लगती है एकदम। तो मैं इसको देखूंगी, वैसे ही कराऊंगी। तो मैंने यहाँ पर साड़ी को वॉश कर दिया था, एजी से किया था क्योंकि नई साड़ी है तो एजी से अच्छी रहती है। तो उस दिन मंदिर में गई थी मैं, तो इसमें थोड़ा ये नीचे से चिकनाई के दाग लग रहे थे, घी वगैरह के जैसे वहाँ पर जोत जलाई थी तो उसके। तो मैंने इसको धोकर रख दिया है क्योंकि अब कहीं भी जाना होगा तो फट से पहन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए तय हमारी लग चुकी है, प्रेस के कपड़े अलग हटा दिए हैं। तो देखिए मैंने विवान को सुला दिया है। मैंने सोचा कि पहले इसको सुला देती हूँ क्योंकि फिर यही होता है, अगर ये सो जाए, ये देखिए अगर ये सो जाता है तो ठीक रहता है, वरना पूरी दोपहर ही ऐसे ही घूमता रहेगा। क्योंकि अब तो दिन भी काफी बड़ा होने लगा, अब तो धूप भी काफी तेज होने लगी है, तो इसलिए इसको सुला दिया है। तो मैं भी सो गई थी इसके साथ, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी सी देर मैं भी सो गई हूँ इसके साथ। तो बस अभी मैं अपने लिए बनाती हूँ खाना, क्योंकि मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। और टाइम हो रहा, देखिए 2:30 बजने वाला है और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो बस चलिए मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ। तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर मुझे याद आया कि मेरी एक साड़ी रखी है जिस पर कि मैंने फूल नहीं लगाया। इस पर पीको तो मैंने करा लिया था, पर और साड़ी को मैंने रेडी कर लिया था घर से आते ही, कर लिया था 1-2 दिन बाद ही, क्योंकि उस टाइम पर मेरे पास टाइम था तो तब से मुझे टाइम लगा। तो आज मैं लगा लूँगी इस पर फूल। तो यहाँ पर मैं फूल लगाऊंगी मशीन से। तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही हूँ मैचिंग रील, मिलती जुलती तो मुझे पहले लगा है नहीं, पर मुझे फिर मिल गई थी। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो साड़ियाँ मतलब मोती वगैरह नहीं होते हैं जिसमें, और जो आराम से जिन पर चल जाते हैं तो बॉर्डर जो होता है वो भी अच्छा हो, ऐसा होता है कि जिस पर मशीन आराम से चल जाएगी। तो मैं नीचे का जो फोल होता है वो हमेशा मैं शुरू से मशीन से ही लगाती हूँ। पहले मम्मी की साड़ी पर भी लगाते थे तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था, काफ़ी अच्छा रहता है और मजबूत भी रहता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे की साइड लगा लिया है और थोड़ा जल्दी से भी काम हो जाता है क्योंकि हाथ से लगाने में टाइम तो लगता ही है दोनों तरफ का। तो एक तरफ का रहता है तो थोड़ा जल्दी से लग जाता है। तो यहाँ पर मैं अब देख रही हूँ कि ठीक लगाए नहीं, तो उसके बाद फिर मैं जो पटरी होती है ये उसको ले लिया है क्योंकि मैं इस पर ही लगाती हूँ और काफ़ी अच्छे से लग जाता है। वैसे सब तरह से लगा लेते हैं, जैसे मतलब कोई थाली से लगाता है, जो परात वगैरह होती है इनसे भी लगा लेते हैं। तो और कुछ तो ऐसे ही मतलब फर्श पे फैलाते हैं और ऐसे ही लगा लेते, सबका अलग अलग वो होता है, पर मैं ऐसे लगा लेती हूँ तो थोड़ा जल्दी लग जाता है। और जो झोल वगैरह पड़ता है, सलवटें जो पड़ जाती हैं उसमें बिल्कुल ये नहीं पड़ती हैं, एकदम बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो मैं इसको यहाँ पर लगा लूँगी। सच बताऊँ तो पहले मैं बहुत डरती थी फूल लगाने से, पर सीख लिया था क्योंकि पहले मम्मी की साड़ियों पर लगाते थे तो पहले मम्मी भी औरों से लगवाती थी, फिर हमने धीरे धीरे हमने स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद फिर 1-2 बार तो दिक्कत आई, उसके बाद फिर बस हाथ होता है ना कि हाथ बैठ जाता है किसी काम पर, तो बस आराम से कर लेते हैं अब।
तो मैं ऐसे ही हटा हटा कर फिर दोबारा से सेट करके ऐसे यहाँ पर आराम से सारे में फूल लगा लूँगी। और देखिए मैंने फिर दोबारा से पटरी पर सेट कर ली है, एक बार का तो लग गया है, फिर दोबारा से ऐसे सेट कर ली है। देखिए बिल्कुल भी झोल नहीं है इसमें, यहाँ पर अच्छे से लगेगा। और यहाँ पर लग चुका है फूल कंप्लीट, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, खुद भी देख रही हूँ कि कहीं थोड़ा बहुत तो है नहीं, पर बिल्कुल भी नहीं था। तो बस ये मेरी हल्की हल्की डेली वियर के लिए मैंने साड़ी तैयार की है, तीन चार तो मैंने अब की हैं और तीन चार मेरे पास पहले से थी। तो ज़्यादा तो नहीं बनती है, पर जितनी भी हैं मतलब बंधेंगी तो हल्की हल्की आराम से कंफर्टेबल रहेंगी। तो बस चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब